आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हीरो स्प्लेंडर प्लस के लिमिटेड एडिशन के बारे में, जो कि भाई हीरो ने हाल ही में लॉन्च किया है, जो कि आप लिमिटेड एडिशन या फिर स्पेशल एडिशन के नाम से जानते होंगे। हीरो ने जिसे भाई काफ़ी अच्छे लुक के साथ मार्केट में लॉन्च किया है, जिसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आपको हीरो स्प्लेंडर प्लस का जो BS6 मॉडल है, इसका जो लिमिटेड एडिशन है, इसमें आपको कौन कौन से चेंजेस देखने को मिल गए हैं और इसका जो प्राइस है वो कंपनी ने क्या रखा है। तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सभी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। हीरो स्प्लेंडर प्लस की पूरी जानकारी के लिए भाई मैंने नीचे लिंक दे रखा है वेबसाइट का, वहां जाकर आप इस गाड़ी की पूरी जानकारी फुल डिटेल में पा सकते हैं। और भाई अगर आपको हीरो स्प्लेंडर प्लस का जो लिमिटेड एडिशन है, अगर आपको इसे परचेज करना हो, तो भाई अगर आप प्रतापगढ़ सिटी से बिलोंग करते हैं, उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़, तो भाई आप जनता हीरो की जो एजेंसी है, यहाँ पर जाकर आप अपने मनपसंद की गाड़ी को परचेज कर सकते हैं। यानी कि वहां पर आप जाकर हीरो की सभी गाड़ियों के बारे में सभी जानकारियां पा सकते हैं और आपको वहां पर सभी गाड़ियां मिल जाएंगी। तो अगर आप प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से हैं तो आप जनता हीरो में जाना बिल्कुल भी ना भूलें, जहां से मैंने इस गाड़ी की वीडियो बनाई है, तो वहां जाकर आप कोई भी गाड़ी परचेज कर सकते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं कि आपको हीरो स्प्लेंडर प्लस का जो लिमिटेड एडिशन है, इसमें आपको कौन कौन से चेंजेस देखने को मिल गए हैं। तो भाई हीरो ने जो है इसका जो ग्राफिक है अब उसे बिल्कुल ही रिमूव कर दिया है, जैसा कि अभी आपको स्क्रीन पे दिख जा रहा है। इसमें जो है आपको हीरो का जो स्टिकर है वो बिल्कुल ही अलग देखने को मिलेगा। इसमें आपको जो टैंक है वहाँ पर आपको सिर्फ हीरो की बैजिंग और हीरो का लोगो मिल जाएगा, जो कि भाई काफ़ी अच्छे लुक के साथ आपको मिल जा रहा है। और इसकी जो पेंट की स्कीम है भाई वो बहुत ही ज़्यादा ग्लॉसी है, जो कि अभी आपको स्क्रीन पे दिख जा रहा है। भाई इसका जो पेंट है वो बहुत ज़्यादा ग्लॉसी है, इसका जो पेंट भाई वो इतना ज़्यादा शाइन कर रहा है कि आपको शायद ही किसी और गाड़ी में इतना अच्छा पेंट देखने को मिले। इसका जो भाई पेंट है वो स्कीम बहुत ही अच्छी है। और भाई इसके जो अलॉय व्हील्स हैं वो भी आपको फुली ब्लैक कलर के साथ मिल जाएंगे, और इसका जो इंजन है वो भी आपको ब्लैक कलर का मिलेगा, जो कि आपको नॉर्मल एडिशन में नहीं मिलता है, लेकिन आपको स्पेशल एडिशन में फुली ब्लैक का यूज़ मिलेगा। और भाई इस गाड़ी का जो साइड का पैनल है वहाँ पर आपको स्प्लेंडर का 3D लोगो देखने को मिल जाएगा, साथ में आपको वहाँ पर i3s की बैजिंग भी मिल जाएगी, जो कि काफ़ी अच्छे लुक के साथ आपको दिख रहा है कि आपको इसमें काफ़ी अच्छे ग्राफिक और काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन देखने को मिल जा रहा है। और भाई इसमें आपको जो है क्रोमिंग का यूज़ भी देखने को मिलेगा, जैसे कि इसका जो ग्रैब रेल है वो आपको क्रोम कलर का मिल जाएगा, जो कि आपको नॉर्मल एडिशन में भी मिलता है, इसमें आपको क्रोमिंग का भी यूज़ मिलेगा। और इसका जो भाई हैंडल बार है वहाँ पर भी आपको क्रोमिंग मिल जाएगी, और इसका जो लेग गार्ड है वहाँ पर भी आपको क्रोमिंग मिलेगी, जिससे कि इसका जो लुक है वो बहुत ही क्लासिक लग रहा है। और भाई इस गाड़ी की जो हेडलाइट है वहाँ पे आपको जो फेयरिंग मिलती है, वहाँ पर जो ग्राफिक मिलता है हीरो ने उसे भी बिल्कुल ही रिमूव कर दिया है, सिर्फ वहाँ पर आपको हीरो का लोगो, हीरो की बैजिंग और आपको वहाँ पर स्प्लेंडर प्लस लिखा हुआ देखने को मिल जाएगा। बाकी का आपको वाइजर पर और कोई भी ग्राफिक नहीं मिल रहा है, जिससे कि भाई इसका जो लुक है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और इसका जो चेन कवर है वो भी आपको ब्लैक कलर का मिल जाएगा, जो कि भाई आपको नॉर्मल एडिशन में आपको ब्लैक कलर का चेन कवर नहीं मिलता है, लेकिन आपको हीरो स्प्लेंडर का जो स्पेशल एडिशन है इसका जो चेन कवर है वो भी आपको ब्लैक कलर का मिल जाएगा। और इसकी जो सॉकर की स्प्रिंग है वहाँ पर आपको एल्यूमिनियम कलर मिलेगा, वहाँ पर आपको क्रोमिंग का यूज़ नहीं मिलेगा। और भाई इसके जो साड़ी का गार्ड है वहाँ पर भी आपको इसका साड़ी का गार्ड जो है वो आपको ब्लैक कलर का मिल जाएगा, लेकिन आपको जो मिलता है नॉर्मल एडिशन उसमें आपको क्रोम का साड़ी गार्ड मिलता है, लेकिन आपको इस गाड़ी में ब्लैक कलर का साड़ी गार्ड मिलेगा। इसका भाई जो पूरा लुक है उसे हीरो ने ब्लैक कलर में कर दिया है, जिससे कि इसका जो लुक है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा और क्लासिक लग रहा है। तो अब हम बात कर लेते हैं प्राइस के बारे में कि आपको इसका जो प्राइस है वो क्या देखने को मिल जाएगा। तो बात कर लेते हैं प्राइस के बारे में, तो भाई आपको हीरो स्प्लेंडर प्लस जो है ये आपको 64,310 रुपये की एक शोरूम देखने को मिल जाएगी, साथ में आपको इसमें i3s भी देखने को मिल जाएगा, जो कि भाई आपको इसका टॉप मॉडल ही ये मिलने वाला है। इसमें आपको i3s आपको इसमें अलॉय व्हील भी मिल जाएगा, जो कि आपको काफ़ी कम प्राइस में मिल रहा है। अगर आप इसे परचेज करना चाहते हैं तो भाई मैंने नीचे कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, वहां आप इस गाड़ी के बारे में सारी जानकारी पा सकते हैं। हीरो स्प्लेंडर प्लस में आपको 97.2 cc का एयर कूल्ड 4-स्ट्रोक इंजन मिल जाता है, साथ में आपको इसमें F5 भी मिलता है, जो कि अब आपको हर एक BS6 गाड़ी में मिल जा रहा है। और 22 की जो पावर फिगर है वो आपको मिलेगी 7.91 HP का, आपको इसमें मैक्सिमम पावर मिल जाएगा, और इसका जो टॉर्क है वो आपको 8.5 Nm का मिल जाएगा।
इसकी बाइक जो पावर फिगर है वो आपको ठीक ठाक मिल जाती है और भाई इसकी जो माइलेज है वो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। साथ में आपको इसमें सिंगल सिलेंडर फोर स्पीड गियर बॉक्स मिल जाता है जिससे कि आपको काफ़ी अच्छी माइलेज, परफॉर्मेंस और टॉप स्पीड भी मिल जाती है। और आपको इस गाड़ी में फ्रंट और रियर दोनों में ड्रम ब्रेक मिल जाते हैं, किसी में भी आपको डिस्क ब्रेक का वेरिएंट नहीं मिलता है, दोनों में ही आपको 130 mm के ड्रम ब्रेक्स मिल जाते हैं। साथ में आपको इसमें IBS भी मिल जाता है। फ्रंट और रियर दोनों में आपको 80 इंच के टायर्स मिल जाते हैं। इसका भाई जो अलॉय व्हील है वो आपको फुली ब्लैक कलर का मिलेगा। फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक के फोर्क मिलते हैं, रियर में आपको ट्विन शॉक एब्जॉर्बर मिल जाते हैं जो कि भाई बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। और आपको इस गाड़ी में जो है हेलोजन का हेडलैम्प मिल जाता है जिससे कि इस गाड़ी का जो लुक है वो बहुत ही क्लासिक लगता है। भाई इसका जो मीटर कंसोल है वो आपको फुली एनालॉग देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी अच्छे लुक के साथ आता है। इस गाड़ी में भाई आपको काफ़ी अच्छे कलर, काफ़ी अच्छे ग्राफिक और काफ़ी अच्छे फीचर भी मिल जाते हैं। इसकी जो माइलेज है, जो परफॉर्मेंस है वो भी काफ़ी अच्छी है। प्राइस तो भाई पूछो ना कि आपको ये प्राइस क्या मिल रहा है। आपको ये गाड़ी काफ़ी कम प्राइस में मिलती है। हीरो स्प्लेंडर प्लस की पूरी जानकारी के लिए भाई मैंने नीचे लिंक दे रखा है वेबसाइट का, वहां जाकर आप इस गाड़ी की पूरी जानकारी फुल डिटेल में पा सकते हैं। तो भाई उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो आप लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।